वेलकम टू लर्न यू एंड मी। आज मैं आपको इफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इफ फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक्सेल में। ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फंक्शन है एक्सेल में। तो इफ फंक्शन होता है क्या एक्चुअली? इफ फंक्शन मतलब कंडीशन के हिसाब से आपको आउटपुट देता है, बेस्ड ऑन कंडीशन के हिसाब से आपको आउटपुट देता है। इफ़ का अगर हम हिंदी में बोले तो अगर ऐसा है तो ऐसा करें या फिर ये कैलकुलेट करें, नहीं तो कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरा चीज़ आउटपुट करें या फिर कैलकुलेट करें। तो इफ़ का ये देखो आप सिंटेक्स देख सकते हैं। तो इफ़ में तीन चीज़ें रहती हैं, इफ़ जो फॉर्मूला रहता है उसमें तीन चीज़ें रहती है, लॉजिकल टेस्ट और कंडीशन। लॉजिकल टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, आपका कंडीशन होता है जैसे कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग या फिर आपका एंड और का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये लॉजिकल टेस्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स देता है, ठीक है। दूसरा रहता है कि आपका वैल्यू भी हो सकता है और दूसरा जो आउटपुट रहता है वैल्यू हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है। अगर आपका ये लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाई हुआ मतलब ट्रू हुआ तो आपको क्या करना है या फिर क्या आउटपुट कराना है, ठीक है। इसमें आप वैल्यू भी आउटपुट करा सकते हो या फिर कोई फॉर्मूला का आउटपुट करा सकते हो। इस जगह पर आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो तो उसका उस फॉर्मूले का इवेलुएट होकर आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लॉजिकल कंडीशन ट्रू नहीं होता तो क्या आना चाहिए, तीसरा प्लेस पर ये आएगा, तीसरा जो इनपुट होगा ये आएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के पहले मैं रिकमेंड जरूर करूँगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें, बूलियन लॉजिक, लॉजिकल टेस्ट का इवेल्यूशन कैसे होता है, एंड और जोर के केस में लॉजिकल टेस्ट कैसे इवेल्युएट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लॉजिक का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ट्रू और फॉल्स होगा, उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है। ये वीडियो को जरूर देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। तो इसको समझने के लिए मैं इफ़ लिखता हूँ। इफ़ उसके बाद हमारा लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट में हमेशा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रू और फॉल्स मिलता है, तो चलो मैं लिख देता हूँ ट्रू। अगर ट्रू मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, सपोज टी आउटपुट कराए, एल्स हमें फॉल्स आउटपुट कराना है अगर ट्रू नहीं मिलता। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, अगर मैं इंटरप्रेट करता हूँ क्या आंसर टी होगा कि एफ होगा? टी होगा ना, क्योंकि हमने इधर क्या क्या है, ट्रू लिखा है, ठीक है। देखो टी हो गया। अगर मैं इसको नोट लिख देता हूँ, नोट लिखने पर क्या होगा, ट्रू का इन्वर्स हो जाएगा मतलब फॉल्स हो जाएगा, तीसरा जो इनपुट है आउटपुट हो जाता है, ठीक है ये वाला। तो अगर एफ फॉल्स हो जाएगा, देख यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स लिखा है, ठीक है। इसकी जगह मैं कंडीशन लिख सकता हूँ जैसे कि 2 3 इज इक्वल टू 3, तो इसका इवेल्यूशन क्या होगा, इसका इवेल्यूशन होगा ट्रू। 3 इज इक्वल टू 3 है, ये जो कंडीशन रखा है हमने लॉजिकल टेस्ट, ये ट्रू हो रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। ट्रू होने पर क्या आउटपुट होना चाहिए, टी होना चाहिए, ठीक है। तो ये टी आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर लिख देता हूँ 4, ठीक है, तो क्या होगा इसका इवेल्यूशन, इसका इवेल्यूशन ये जो लॉजिकल टेस्ट है इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 3 4 के इक्वल नहीं है तो हमें ये आउटपुट होएगा, ठीक है, वैल्यू इफ फॉल्स, इसकी जगह हमने एफ लिखा है तो वैल्यू इफ फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफ का थोड़ा एप्लीकेशन करेंगे, उसकी मदद से हम इफ को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा कंडीशन ये है कि इफ़ मैच, अगर ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 मैच होता है तो हमें आउटपुट क्या कराना है, मैच्ड। अगर नहीं मैच होता है एल्स, फॉल्स के केस में हमें नॉट मैच्ड आउटपुट कराना है। तो हम लोग लिखते हैं इफ़ लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या होगा, इक्वालिटी टेस्ट होगा, मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो हमें क्या आउटपुट कराना है, कौन सा वर्ड, मैच्ड। अगर वैल्यू, अगर ये दोनों ट्रू, लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट होगा, ये ट्रू होता है तो हमें क्या आउटपुट कराना है, ट्रू के केस में मैच्ड, ठीक है। एल्स अगर ये फॉल्स होता है, वैल्यू ये फॉल्स, तो हमें क्या कराना है, नॉट मैच्ड, ठीक है। क्योंकि ये टेक्स्ट है तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट है ना, इसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करना पड़ेगा। अगर नंबर होता तो हम बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते थे, ठीक है। तो ये बताइए पहले केस में क्या होगा, इसका टेस्ट क्या होगा, कंडीशन जो हमने डाला है क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। ये ए थ्री मतलब 1, बी थ्री मतलब 2, 1 और 2 इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब फॉल्स हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको सेपरेटली लिखता हूँ कंट्रोल सी करके, यहाँ पर मैं इज इक्वल टू करता हूँ तो देखिए फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के कंडीशन में हमें ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए ये आउटपुट होगा। अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी मैच नहीं है, यहाँ पर मैच है, देखो। हाँ, यहाँ पर मैं बता दूँ कि इफ़ जो होता है केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर को दोनों सेम ही ट्रीट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल बी भी है, यहाँ पर स्मॉल बी भी है, दोनों को मैच, ये दोनों सेम ही है, इसके लिए दोनों सेम ही है, इसके लिए यहाँ पर मैच्ड हुआ है। यहाँ पर अगर मैं A1 कर देता हूँ, देखिए मैच्ड आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ, देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, इस केस में यहाँ पर
इवेल्यूशन जो हमारा कंडीशन है ट्रू आ रहा है तो हमें मैच्ड आउटपुट कर रहा है, इधर फॉल्स आ रहा है तो हमें नॉट मैच्ड, इधर ट्रू आया तो मैच्ड। अभी मैं तीन एग्जांपल्स को सॉल्व करूंगा इफ फंक्शन की मदद से, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है, दूसरा उसके बाद तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो एंट्रीज दिए गए इसको नंबर और स्ट्रिंग में कैटेगराइज करना है, ठीक है। तुम्हारे पास एक फंक्शन है इफ इज नंबर, ठीक है, इज नंबर, हमें इसको अगर ये नंबर है क्या इनपुट कराना है, हमें नंबर इनपुट कराना है क्योंकि ये टेक्स्ट है तो डबल कोट में रैप करना पड़ेगा। अगर फॉल्स है, नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा ना, देन स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमें नंबर दे रहा है, ये नंबर है, और यहाँ पर देख सकते हैं हमें स्ट्रिंग दे रहा है, पर जबकि ये नंबर है 5 और 6 नंबर है, पर ये एक्सेल में नंबर एज अ टेक्स्ट स्टोर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर ही बता रहा है, इसका देखो ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट राइट साइड, राइट राइट साइड है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 35 सो रहा है, जबकि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इन दोनों नंबर एज अ टेक्स्ट को, यहाँ पर केवल काउंट दे रहा है क्योंकि टेक्स्ट का सम नहीं हो सकता, काउंट ही हो सकता है, इसलिए हमें काउंट दे रहा है। और इसका ओरिएंटेशन देखो, इसका अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो ये हमें कैटेगराइज हो गया, ठीक है। इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हो, इफ यहाँ पर क्या इज नंबर लगा ना, यहाँ पर इफ इज टेक्स्ट, टेक्स्ट है तो क्या लिखेंगे, ट्रू आएगा तो हमें क्या लिखना है, स्ट्रिंग एल्स नंबर, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो चेंज हो गया, अगर ये टेक्स्ट होगा तो ट्रू आ जाएगा, तो हमें सबसे पहले सेकेंड आउटपुट पे ट्रू का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, तो उसको अगर मैं ड्रैग डाउन करता हूँ सेम ही आंसर मिलेगा आपको। अभी यहाँ पर हमें ये जो एंट्रीज है उसको स्ट्रिंग नंबर और नंबर एज ए स्ट्रिंग में आइडेंटिफाई करना है या फिर कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं इसको स्ट्रिंग को इंटू 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इंटू 1, तो हमें ये एरर देगा, ठीक है। दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, आप जहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पर नंबर है वहाँ पर नंबर ही आ रहा है, और जहाँ पर टेक्स्ट नंबर एज अ टेक्स्ट है वहाँ पर भी नंबर आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। कल ये एरर आ रहा है जहाँ पर स्ट्रिंग है या फिर टेक्स्ट है वहाँ पर एरर आ जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ इज एरर, अगर ये एरर है मल्टीप्लाइड बाई 1, तो मतलब वो क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, सॉरी। उसके बाद हमें क्या होगा, दूसरे दूसरे वैल्यू ये फॉल्स, ये हमें टेक्स्ट के केस में क्या एरर देगा, ट्रू देगा, ठीक है। इज एरर क्या देगा, ट्रू देगा। अगर मैं इसको दिखा देता हूँ एक मिनट के लिए, इसको मैं थोड़ा ब्लैंक रह देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू इज एरर, यहाँ पर ट्रू आता है, ठीक है, और नंबर पे फॉल्स आएगा, नंबर और नंबर एज अ टेक्स्ट पे फॉल्स आएगा, ठीक है। तो फॉल्स के केस में हमें दूसरा इफ स्टेटमेंट लगाना है, तो ये प्रकार से नेस्टेड इफ हो गया इफ, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट के पैरेंट इफ का, इफ दिस इंटू 1, दिस इंटू 1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर उसका इंटू 1 करने पर, इंटू 1 करेंगे तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर टेक्स्ट है, नंबर एज अ टेक्स्ट है, इक्वल टू ये हो जाएगा, तो मतलब वो क्या है, नंबर ही है, ठीक है। एल्स दूसरे केस में, दूसरे केस में क्या होगा, नंबर इज टेक्स्ट, नंबर स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी ये ब्रैकेट फटा के, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ये नंबर, नंबर ये स्ट्रिंग, ये नंबर स्ट्रिंग, मतलब नंबर इज अ टेक्स्ट। यहाँ पर अगर मैं दिस इंटू 1 इज इक्वल टू दिस करता हूँ तो हमें फॉल्स देगा, इसके लिए हमें दूसरा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए तो ये दूसरा वैल्यू आ रहा है, जबकि यहाँ पर मैं करूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ पर, तो हमें ट्रू देगा, ठीक है। तो इसके लिए सेकेंड वाला जो इफ़ है, सेकेंड जो इफ है, इफ का इवैल्यूएशन है, इसमें ये जो आएगा वो फॉल्स आएगा अगर वो नंबर इज अ टेक्स्ट है, इसके लिए ये आउटपुट होगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको
स्ट्रिंग ऑड नंबर और इवन नंबर में कैटेगराइज करना है, ठीक है। सब कुछ सेम ही रहेगा, ये पूरा जो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है लगभग सेम रहेगा, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं इज इवन, इज इवन कैसा बिहेव करता है नंबर एज अ टेक्स्ट और नंबर के, ये फॉल्स हो जाएगा। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं इज इवन जो है नंबर एज अ टेक्स्ट को भी नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत नहीं है इन टू मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करने का, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि इज इवन, इज इवन, ठीक है, इज इवन तो क्या हो जाएगा, इज इवन तो हम इधर लिखेंगे इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, एल्स ऑड नंबर, इवन नहीं है तो ऑड ही होगा ना, ऑड नंबर, ठीक है। ठीक है, पहला कंडीशन हमें जो देगा वो स्ट्रिंग ही दे देगा, दूसरे कंडीशन में केवल डाइवर्स करना है, इज इवन करके डाइवर्स करना है, ठीक है। ये देखो ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इसको आप चाहिए तो स्पेस दे दें, ठीक है। अगर आपके पास इज इवन का डायरेक्ट फंक्शन नहीं आ रहा है, मे भी हो सकता है कि आपके एक्सेल वर्जन में नहीं अवेलेबल हो, तो आप क्या कर सकते हो, दिस आप मॉड का फंक्शन यूज़ कर सकते हो, मॉड, मॉड नंबर डिवाइड बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर ये ट्रू देता है मतलब ये इवन नंबर है, एल्स ऑड नंबर है। यहाँ पर हमें एज कैटेगरी को आउटपुट कराना है बेस्ड ऑन एज, अगर लेस देन 12 एज है तो चाइल्ड आउटपुट कराना है, 12 से लेकर लेस देन 18 है तो टीन, 18 से लेकर लेस देन 60 है तो अडल्ट, और ग्रेटर देन 60 है और 60 या 60 से ऊपर है तो सीनियर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये फॉर्मूला किस तरह का होगा, इफ़ फॉर्मूला नेस्टेड वाला होगा, ठीक है, क्योंकि इफ़ के अंदर हमें इफ़ लगाना है। ध्यान देने वाली बात है कि हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही इफ़ को लगाना है, इफ़ कंडीशन को, ठीक है। तो सबसे पहले लगाया जा इफ़ लिखता हूँ मैं इफ़, तो सबसे पहले मेरा क्या कंडीशन होगा, इफ़ फॉर्मूला में होता क्या है कि अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो सीधा जो उसका आउटपुट होना चाहिए उसको देता है, मतलब वैल्यू इफ़ ट्रू, वो तीसरे चौथे कंडीशन को नहीं देखता, ठीक है, उधर ही से वो टर्मिनेट हो जाता है, उधर ही से वो उसका एवेल्यूशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इफ़ एज इज़ लेस देन 12, ठीक है, तो क्या देना है हमें, चाइल्ड, इसको मैं डबल कोट में इनक्लोज करूँगा, ठीक है। फॉल्स होता है तो बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस है, टीन हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, सीनियर हो सकता है, तो इसके लिए हमें इफ़ लिखना पड़ेगा, इफ़, ठीक है। इफ़ में क्या आएगा, अभी अभी टीन के लिए कंडीशन होगा, अगर ये ट्रू पाया जाता है तो सीधा चाइल्ड दे देगा, आगे वाला इफ़ का फॉर्मूले का इवेल्युएट नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट ट्रू हो जाता है तो सीधा चाइल्ड दे देगा, आगे वाले इफ़ को इवेल्युएट नहीं करेगा, नहीं देखेगा, ठीक है। इफ़ तो लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, दिस इज लेस देन 18, ठीक है, तो क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन 18 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हमें क्या हो जाएगा, अगर ये वाला फॉल्स पा जाता है तब ये दूसरे वाले इफ़ पे आएगा, दूसरे वाले इफ़ में अगर ये ट्रू हो जाता है तो 3 दे देगा, बाद में दूसरा इफ़ नहीं इवेलुएट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इफ़ इसके अंदर इफ़ हो जाएगा फॉल्स के केस में, ठीक है। इफ़ मैं एक काम करता हूँ, जो पेरेंट का ब्रैकेट है उसको लगा देता हूँ, ये इफ़ हो गया, ठीक है, पेरेंट वाला ये इफ़ हो गया, जो पेरेंट आप देख सकते हैं, जो पेरेंट का जो इफ़ है, जो मेन इफ़ है जिसके अंदर सब इफ़ प्रेजेंट है, वो ये है ब्रैकेट, और ये दूसरा इफ़ है, ठीक है। अब इसके अंदर भी इफ़ के अंदर इफ़ हो जाएगा, ठीक है, इफ़ इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो 3 दे देगा, ठीक है। इफ़ एज इज लेस देन 60 तो क्या देना चाहिए, अडल्ट, और एल्स के केस में क्या देना चाहिए। अब दूसरे कंडीशन को, सभी तो कंडीशन टेस्ट हो गए हमारे, चाइल्ड टीन अडल्ट के लिए हमने कंडीशन लिख दिया, तो सीनियर के लिए कंडीशन लिखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो अपने आप ही वो सीनियर होगा, ठीक है, एक कंडीशन मीट नहीं हुआ तो सीनियर ही आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, सीनियर, ठीक है। तो आपने देखा ये पेरेंट इफ है, तो मैं फिर से समझा देता इसको, अगर ये सही हुआ, इसका एज लेस देन 12 हुआ तो चाइल्ड हो जाएगा, बाद में ये आके के फॉर्मूले को नहीं देखेगा, ठीक है, सीधा चाइल्ड आउटपुट करा देगा। अगर ये गलत हुआ तो ये पूरा स्टेटमेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट का इफ़, अगर ये सही हुआ, B6 लेस देन 80 तो 3 दे देगा, ये आगे वाला इफ़ नहीं देखेगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुआ तभी ये इफ़ देखेगा, इफ़ बी
सिक्स इज लेस देन 60 तो क्या अडल्ट देगा। ठीक है, अभी हमारा सब कंडीशन फॉल्स ही, ये फॉल्स हुआ तो ये आया, ये फॉल्स हुआ तो ये आया, लेस देन 60 ने तो अडल्ट दिया। अब हमारे पास कंडीशन दूसरा चांस ही क्या बचा, सीनियर ही होने का चांस बता, तो हम इसके लिए कंडीशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से नेस्टेड इफ होता है। तो देख सकते हैं टीन हो गया, ये अडल्ट हो गया, टीन ये सीनियर हो गया, अडल्ट हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं लिख देता हूँ 70 तो ये हमें सीनियर देगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन गया है, और अगर आपको कंडीशन चेंज करना हुआ तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा, हो सकता है कहीं आप गलती कर बैठे। ठीक है, इतना क्लीन सोल्यूशन नहीं है, इसका दूसरा सोल्यूशन भी है। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव वे भी है जो काफ़ी क्लीन है सोल्यूशन है। ठीक है, वो सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है आप बता सकते हो? अप्रोक्सीमेट वी लुकअप। अप्रोक्सीमेट वी लुकअप का मैंने वीडियो डाल के रखा है, वो एग्जांपल में मैंने यूजिंग अप्रोक्सीमेट वी लुकअप टू की ग्रेड का यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टेबल पहले से बना के रखा है, ये जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये टेबल है। अब अप्रोक्सीमेट वी लुकअप के लिए जो आपका लुकअप वैल्यू होगा, जो लुकअप वैल्यू होगा एज होगा, तो एज जो रहना चाहिए वो हमेशा किस ऑर्डर में रहना चाहिए? असेंडिंग, असेंडिंग मतलब चढ़ते क्रम में। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है टेबल को समझ लीजिए। पहले जीरो टू, जीरो टू ट्वेल्व के पहले चाइल्ड देगा। ठीक है, अगर जीरो टू ट्वेल्व के पहले जो भी नंबर आया उसके लिए चाइल्ड आउटपुट कराएगा, ट्वेल्व से एटीन के पहले जो भी नंबर आया उसके लिए टीन आउटपुट कराएगा, और एटीन से सिक्सटी के पहले जो भी आया उसके लिए अडल्ट, और सिक्सटी से मैं मान के चलता हूँ 110 के पहले तक की उम्र होता है मैक्सिमम एज। ठीक है, 60 से 110 के पहले आया तो सीनियर आउटपुट कराएगा। तो मैं जल्दी से एक वी लुकअप लगा लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट वी लुकअप, वी लुकअप एज होगा हमारा। ठीक है, अब ये टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेबल हो जाएगा, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा, उसके बाद हमें क्या कराना है? अप्रोक्सीमेट वी लुकअप। ठीक है, इसके लिए हम ट्रू लिखेंगे, या फिर आप वन भी लिख सकते हो ट्रू की जगह। ठीक है, अब जैसे कि देख सकते हो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इफ हो रहा है, बहुत सारे कंडीशन है, तो आप कोशिश करिए कि आप देखिए कि क्या ये अप्रोक्सीमेट वी लुकअप के द्वारा किया जा सकता है कि नहीं। अगर हाँ, तो अप्रोक्सीमेट वी लुकअप जो होता है काफ़ी क्लीन सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पर मेरे को कुछ चेंज क्राइटेरिया चेंज करना होगा, तो मैं जैसे टेबल में चेंज कर दूंगा, यहाँ पर अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि मुझे 0 से 15 तक चाइल्ड चाहिए, तो मैं 15 तक जो लिख देता हूँ चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी ये चाइल्ड बन गया। ठीक है, मैं इसको 12 ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो अप्रोक्सीमेट वी लुकअप है, आपका कुछ कुछ इफ के जो नेस्टेड इफ रहते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसका अल्टरनेट समाधान हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अगर ये अप्रोक्सीमेट वी लुकअप से सॉल्व हो सकता है आपका नेस्टेड इफ, तो उस अप्रोक्सीमेट वी लुकअप का यूज़ कीजिए, ना कि नेस्टेड इफ। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है नेस्टेड इफ। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें ग्रेड आउटपुट कराना है। ठीक है, ग्रेड वन जो होगा बेस्ड ऑन ओवरऑल मार्क, ये हमारा ओवरऑल मार्क है स्टूडेंट का, उसके ऊपर ऊपर से डिसाइड किया जाएगा। ये कंडीशन है ग्रेड वन का, इसको मैं चाहूँगा कि आप अपने एंड से परफॉर्म करें। इसके लिए आप इफ़ भी लगा सकते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेट वी लुकअप का भी यूज़ कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वी लुकअप का एक वीडियो मैंने डाल के रखा है, यहाँ वहाँ पर मैंने ग्रेड का ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अभी मैं सीधा ग्रेड टू पे आता हूँ। ये जो ग्रेड टू डिसाइड होगा हम मैथ्स और ओवरऑल मार्क के ऊपर डिसाइड होगा, तो ये कंडीशन है हमारा। कंडीशन ये है ग्रेड टू देने के लिए, अगर मैथ और ओवरऑल में ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 मार्क है तो ए ग्रेड मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 55 मार्क है तो बी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 मार्क है तो सी। इसके अलावा जो भी कंडीशन है उसको फेल्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैथ और ओवरऑल मार्क को दोनों को ही हमें देखना चाहिए। ठीक है, और दोनों को ही सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसके लिए हमें एंड का यूज़ करें, क्योंकि दोनों को ही हमें टेस्ट करना है। इफ तो हमें एंड कंडीशन लगाना चाहिए, एंड इफ मैथ इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, दूसरा एंड ओवरऑल इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। ठीक है, एंड कंडीशन हो गया। अभी इसके अंदर मतलब दोनों ही अगर ट्रू होगा, ठीक है, दोनों ही अगर ट्रू होगा तो हमें क्या देना चाहिए? ए। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारा ट्रू, अगर ये फॉल्स हुआ, एंड का वैल्यूशन फॉल्स हुआ, तो फिर से हमारा नेस्टेड इफ आ जाएगा। इफ लॉजिकल टेस्ट क्या होगा? इफ इफ इसमें भी एंड का यूज होगा, दोनों ही मार्क्स का
एंड इफ मैथ मार्किंग ग्रेटर देन इक्वल टू 55, ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55, देन बी, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या करना है, फिर से हमारा इफ हो जाएगा, ठीक है। इफ इसके बाद एंड लगेगा, दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 एंड मैथ्स मा ओवरऑल इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 देन सी सी एल्स क्या हो जाएगा, फेल। इसके अलावा जो भी कंडीशन है हमें फेल में डालना है, ठीक है। ये हमारा ये वाला इफ क्लोज हो गया, ये इफ क्लोज हो गया, उसके बाद दूसरा इफ, उसके बाद मेन इफ क्लोज हो गया, ठीक है। इसको मैं ड्रैग डाउन कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आया है, इधर भी 60 60 के ऊपर अबव है तो ये आया है, फेल आया है, यहाँ पे देख सकते हैं फेल आया है। यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 है पर यहाँ पर नहीं है, इसके लिए फेल आया, मतलब हमारा एंड का इवेल्यूशन क्या हो रहा है, सब जगह फेल आ रहा है, ठीक है। तो ये फेल आया, सी यहाँ पे सी क्यों आया, यहाँ पर सी इसलिए आया कि ये जो मैथ्स का मार्क है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है पर ये 60 के नीचे है, ठीक है, 60 के नीचे है। तो कौन सा सेटिस्फाई, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सी वाला, ठीक है, 35 के ऊपर भी है। यहाँ पे देख सकते हैं बी कंडीशन नहीं आ रहा, तो बी कंडीशन के लिए कुछ काम करते हैं, डाल देते हैं 56 59, तो यहाँ पर देखिए बी आ गया, ठीक है। अब ये ग्रेड थ्री का कंडीशन क्या है, एज पर ग्रेड वन का रूल है, ठीक है, बट इफ इन स्पोर्ट इज वाई, मतलब स्पोर्ट में बंदा है तो उसको कम से कम सी ग्रेड मिलना चाहिए, अगर फेल भी हो रहा है लेस देन 335 मार्क है तो कम से कम सी मिलना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो कंडीशन वन के हिसाब से ही लगाता हूँ, बाद में जो स्पोर्ट्स वाला है इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इफ दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 देन ए, देन ए एल्स इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 देन वी, एल्स इफ दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 देन सी एल्स फेल, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अभी ये बेस्ड ऑन वन कंडीशन, केवल ओवरऑल मार्क पे है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये फेल हो रहा है, यहाँ फेल हो जा रहा है बंदा, यहाँ पर भी फेल हो जा रहा है, यहाँ पर भी फेल हो जा रहा है, ठीक है, ये देखिए। और हमें क्या करना है, अगर स्पोर्ट्स है तो कम से कम उसको सी मिलना चाहिए, ठीक है, स्पोर्ट्स है तो कम से कम उसको सी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इधर इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर थोड़ा एक कंडीशन ला सकते हैं और का लास्ट में, अगर इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में है, अगर ये सब कंडीशन ये या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, तो जो मार्क मिलना चाहिए उसको मिलना मिल ही रहा है। पर अगर फेल हो रहा है तो उस केस में हमें देखना चाहिए कि स्पोर्ट्स में क्या उसका कंडीशन है, स्पोर्ट्स में उसने पार्टिसिपेशन किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट कंडीशन में और का लगेगा, ठीक है। तो और दिस इज इक्वल टू वाई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वाई, अगर ये लास्ट कंडीशन में वाई है या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 है, ठीक है, इसको और का कंडीशन क्लोज कर देते हैं तो उसको सी मिलना चाहिए फेल करने की जगह, ठीक है। अभी जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सी मिला, क्योंकि ये भले ही इसका 30 से नीचे है पर ये स्पोर्ट्स में है, इसके लिए सी मिल जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर फेल हो जा रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स में भी नहीं और ओवरऑल मार्क में 34 आया, ठीक है। सो कुछ इस तरह से इफ में एंड और का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट इनमें से कोई भी एक चीज़ कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर।